दिस इज मी जॉली यादव, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्रीज। गाइस, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट पर जिसका नाम है सिविटेक स्ट्रेंथ्स। ये सिविटेक बिल्डर्स का एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन रहेगी सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है FNG एक्सप्रेसवे से, NH24 से, साथ ही साथ चार मोटी भी यहाँ से आपका 5-10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। बात करूँ मैं नियर बाई हॉटस्पॉट्स एंड प्लेसेस की, तो अगर आप वर्किंग पर्सन है तो यहाँ से IT हब आपका हार्डली 15 मिनट के डिस्टेंस पर रहेगा, साथ ही साथ फिल्म सिटी भी सेम डिस्टेंस पर रहेगा। उसके अलावा सभी मेजर स्कूल्स कॉलेजेस यहाँ से बिल्कुल नज़दीक हैं। एंड एक और चीज़ आप देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 साइड ओपन प्लॉट पे बना हुआ है, एक साइड इसकी ये है, दूसरी साइड आपकी उस तरफ रहेगी। साथ ही साथ ये लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया है एंड प्रोजेक्ट के आसपास और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। जैसे कि अगर मैं उस तरफ देखूँ तो यहाँ पर कोको काउंटी है, यहाँ पर आपका ATS हैप्पी ट्रेल्स है, साथ ही साथ इस तरफ पे भी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं एंड ये एक लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया है। गाइज, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सिविटेक स्ट्रिंग्स की एक्चुअल साइट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रही है एंड आप ये सामने देखें तो यहाँ पर रहेगा इसका कमर्शियल एरिया, पीछे रहेंगे आपके सभी के सभी टावर्स। ये टावर्स S+26 के कॉन्सेप्ट पर रहेंगे जिसमें कि आपको बेसमेंट और स्टिल्ट में पार्किंग मिल जाएगी। वैसे तो रेरा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो इसका पोजेशन सितंबर 2027 में मिलेगा, बट ये टाउनशिप उससे पहले रेडी हो जाएगी एंड उम्मीद है कि 2026 तक इसका पोजेशन आप सभी को मिल जाए। टाउनशिप की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सभी बिल्डिंग्स MyOne फ्रेमवर्क से बनी है। इसके फायदे आपको पता ही होंगे, MyOne फ्रेमवर्क से बनी हुई बिल्डिंग्स का लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, साथ ही साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। सिविटेक स्ट्रिंग जो कि सिविटेक बिल्डर का एक न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है, ये इन टोटल आपके 5 acres के लैंड पैच में बना हुआ है। इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया है। प्रोजेक्ट में आपको 70% ओपन एरिया मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक कमर्शियल एरिया भी है जिसमें कि टोटल आपकी 20 शॉप्स रहेंगी जिनमें कि सभी डेली नीड्स का सामान मिलेगा। विद दैट, बात करूँ मैं टावर्स की तो यहाँ पर इन टोटल 4 towers प्रेजेंट रहेंगे जो कि S+26 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए बेसमेंट एंड स्टिल्ट में पार्किंग रहेगी, साथ ही साथ अपार्टमेंट्स में आपको 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर टोटल आपके लिए 850 यूनिट्स हैं। साइज की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए 1090 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट एंड 1275 स्क्वायर फीट के साइज में अपार्टमेंट्स अवेलेबल रहेंगे। सिविटेक स्ट्रिंग के बिल्डर हैं सिविटेक बिल्डर्स जो कि पिछले 27 ईयर्स से रियल स्टेट के बिजनेस में हैं एंड अभी तक ये 5000 फैमिलीज को घर दिला चुके हैं। पिछले कुछ टाइम में इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं जैसे कि सिविटेक संप्रति एंड सिविटेक स्टेडिया। सिविटेक बिल्डर्स NCR में 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं जैसे कि सिविटेक फ्लोरेंसिया, सिविटेक संप्रति एंड सिविटेक स्टेडिया। उनका 4th प्रोजेक्ट है सिविटेक स्ट्रिंग जो कि अभी अपने अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। सिविटेक स्टेडिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये प्रोजेक्ट सेक्टर 79 में लोकेटेड है, ऑन रोड प्रोजेक्ट है, इट्स अ वेल सिक्योर्ड एंड गेटेड सोसाइटी जहां आपको टोटल 6 towers मिलते हैं विच हैज़ टोटल 520 इन्वेंट्रीज आउट ऑफ विच 490 यूनिट्स हैव रेसिडेंट्स लिविंग इन देम, यानी कि 90% यूनिट्स में लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। प्रोजेक्ट में सफिशेंट ओपन स्पेस एंड ग्रीनरी भी मिल जाती है, बेसमेंट में पार्किंग फैसिलिटी है। प्रोजेक्ट ऑल्सो हैज़ अ गार्डन एरिया, किड्स प्ले एरिया, आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया, क्लब हाउस दैट हैज़ अ जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, बैंकेट हॉल एंड इंडोर गेम्स। उसके साथ साथ सिविटेक स्टेडिया ऑल्सो हैज़ अ कमर्शियल एरिया जस्ट एडजॉइन टू द प्रोजेक्ट दैट हैज़ शॉप्स फॉर ऑल योर डेली नीड रिक्वायरमेंट्स। ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ द बिल्डर आर रेरा अप्रूव्ड।
If I talk about the amenities and facilities present in the township, then the amenities will include a clubhouse in the area of 15,000 square feet that will have a changing room, multi-purpose room, indoor games, etc. With that, you will also get a rainwater harvesting system in the township, CCTV camera security, library, swimming pool, community center, power backup, yoga park, kids play area, landscaped gardens, gymnasium, senior citizen area, sand pit for toddlers, separate kids pool, outdoor sports area and car parking space. Project पर first 100 buyers के लिए एक inaugural discount भी चल रहा है, जिसके तहत BSP पर 400 रुपए का discount मिल रहा है, यानी कि अगर आप पहले 100 buyer में से एक होते हैं तो आपको BSP पर 400 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर अगर अपार्टमेंट बुक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा होगा। With that, यहाँ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 45 लाख ओनली। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने देखा सिविटेक स्प्रिंग्स के बारे में। ये एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है और अगर आप इस प्रोजेक्ट में अपना घर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए। इस प्रोजेक्ट की कई सारी USPs हैं। सबसे पहले तो ये माइवान फ्रेमवर्क से बना हुआ है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ ये जो प्लॉट है ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है एंड यहाँ के जितने टावर्स हैं ये सब के सब आपके पोडियम बेस्ड टावर हैं। यहाँ पर आपको शॉपिंग एरिया भी मिल जाता है। प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है एंड यहाँ के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सब के सब वेंटिलेटेड एंड स्पेशियस अपार्टमेंट्स हैं एंड बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है। कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट लेते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे में रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर अभी अपार्टमेंट बुक करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं जो कि शायद आपको कुछ टाइम बाद नहीं मिलेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और यहाँ पर अपार्टमेंट अपना बुक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।